अलवर से पत्रकार योगेश गोयल की रिपोर्ट पेश करते हैं। अभी तक की खबरें। अलवर में बूथ संपर्क अभियान के अंतर्गत विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलावटा कस्बे में किया प्रत्येक बूथ पर जनसंपर्क। भारतीय जनता पार्टी द्वारा बूथ मजबूत करने के उद्देश्य को लेकर विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने अलावटा कस्बे में कार्यकर्ताओं के साथ पनहुज गुरुद्वारा में मत्था टेकने के पश्चात सभी बूथों के कार्यकर्ताओं से जनसंपर्क कर और नए मतदाताओं को पार्टी से जोड़ने को लेकर उनके घरों में जनसंपर्क किया एवं पार्टी के स्टीकर लगाकर पार्टी से जोड़ने का आह्वान किया। इस अवसर कार्यकर्ता गिरीश दीक्षित, मनोज खंडेलवाल, पूर्व मंडल अध्यक्ष नंदराम गुर्जर, मनीष जैन, गोविंद सैनी, राजेंद्र शर्मा एवं स्थानीय कार्यकर्ता गुरनाम सिंह, भगवान सिंह, केतराम शर्मा, सुरेंद्र कालरा, श्यामलाल कालरा, बंसीधर, गुरजीमल जाटव, रघुवीर जाटव सहित अनेक कार्यकर्ता ने बूथ संपर्क महाअभियान में मौजूद रहे। वहीं इस मौके पर उनका कहना था कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप ये मानते हैं कि देश में एक ही देशभक्त पार्टी है, वो है भारत माता की बेटी भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की बेटी भारतीय जनता पार्टी उसकी ओर से चल रहे इस महासंपर्क अभियान, जो बूथ का महासंपर्क अभियान है, और यहाँ के सभी बूथों पर मैं संपर्क कर रहा हूँ, और यहाँ जो लाभार्थी हुए केंद्र सरकार से उज्ज्वला योजना में, जो लाभार्थी हुए बाकी सब केंद्र प्रांत की भी भामाशाह योजनाओं में, प्रांत की भामाशाह योजना में, माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे मुख्यमंत्री वसुंधरा जी, इनकी ओर से आए हुए आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी के आह्वान पर बूथ संपर्क और बूथ संपर्क का महाअभियान को लेने आज मैं अलावड़ा में आया हूँ। क्योंकि मेरा जो वोट है जिस परिवार में और जिस घर में है, मैं उसी घर में श्री मान श्यामलाल जी कालरा के घर में खड़ा हूँ, और यहाँ पूरी टीम कार्यकर्ता साथ हैं। यहाँ बाकी अभियान लेकर के मैं जयपुर निकलूँगा। यह बूथ का महासंपर्क अभियान, इस नाते से भी मैं सबको अलावड़ा वासियों को, यहाँ के बूथ के भाइयों को, सबको बधाई देता हूँ।